हेलो दोस्तों, आज आपको लेके आए हैं सहेलियों की बाड़ी में। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर शहर में प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है। फतेह सागर झील के पास बने इस बाग में सुंदर पेड़ पौधे और फाउंटेन्स इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। महाराणा संग्राम द्वारा शाही महिलाओं के लिए 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह कहा जाता है कि राजा ने इस सुंदर बाग को स्वयं तैयार किया था और अपनी रानी को भेंट किया था, जो शादी के बाद 48 नौकरानियों के साथ आई थी। सहेलियों की बाड़ी में हर एक एरिया को अलग नाम दिया गया है। अभी जो आप देख रहे हैं, ये फाउंटेन बिन बादल बरसात है। ये एक पूल के मध्य में सफेद मार्बल का छतरी नुमा बना हुआ है, जिसके ऊपर एक कबूतर बना हुआ है। मुख्य फवारे के चारों तरफ काले पत्थर की छतरियां बनी हुई हैं, जिन पर भी अद्भुत डिजाइनिंग की गई है। पीछे रानियों का महल बना हुआ है, जहां आजकल एक म्यूजियम है। यहां आपको शाही परिवार की अनेक चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पे लगे फाउंटेन्स को इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया है। सभी फाउंटेन्स पक्षियों के चोंच से पानी निकलते हुए दिखते हैं। इसके बाद सावन भादो फाउंटेन है, जो गर्मी के मौसम में भी बारिश जैसा एहसास करवाता है। जब फाउंटेन का पानी पेड़ों के पत्तों पर गिरता है, तो उससे ये फील आता है कि जैसे बारिश हो रही हो। कहा जाता है कि रानी को बारिश की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसीलिए राजा ने इसमें बारिश की आवाज़ के लिए कई सारे फाउंटेन्स लगवाए थे, जो हर कोने में बारिश जैसा एहसास करवाते थे। मुख्य भवन के पीछे की तरफ कमल तलाई नामक जलकुंड है, जिसके बीच में बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ है। इसके चारों तरफ चार मार्बल के हाथी लगे हुए हैं, जिनकी सूंड में से पानी निकलता है। इस कुंड में बहुत सारे कमल लगे हुए हैं। उसके आगे मुख्य भवन के दाईं ओर रासलीला नामक फाउंटेन है, जिसमें मुख्य फाउंटेन के चारों तरफ लोक नृत्य कलाकार नृत्य किया करते थे, तथा सामने भवन के झरोखों में से रानियां उन्हें देखा करती थी। कहा जाता है आज तक इस बगीचे में लगे फवारों को पानी खींचने के लिए किसी मोटर की जरूरत नहीं पड़ी। ये प्राचीन इंजीनियरिंग के अनुसार काम करते हैं और आज भी फतेह सागर झील में से पानी खींचते हैं। सहेलियों की बाड़ी जाने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का समय होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम अच्छा होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी आपको मिलते हैं किसी नई जगह पे।